दोस्तों NC6 की लाइन के बारे में हम लोग कंटिन्यूस देख रहे हैं। मेरे हर एक वीडियो NC6 के बारे में, अभी पूरी सीरीज में तैयार कर रहा हूँ। NC6 E4 अगेंस्ट NC6 एक बहुत ही बढ़िया लाइन है। मैं E4 D5 स्कैंडिनेवियन बहुत खेल चुका हूँ और अब मैं कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। NC6 बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन है और उसमें भी खास करके कोलोराडो गैम्बिट। E4 NC6 स्टार्ट करते हैं अगले वेरिएशन के लिए। आगे के वीडियो आप देख लीजिए, सारे वेरिएशन वन बाय वन आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सेकंड मूव नाइट F3। नॉर्मली हमने पहले देखा था D4 अगेंस्ट आपको कैसे खेलना है, D4 अगेंस्ट E5, ये सारे वेरिएशन मैंने बता दिए। अब नाइट F3 के बारे में कोलोराडो गैम्बिट F5। F5 के बाद हमने अलग वेरिएशन देखे थे, पॉन टेक्स पॉन और पॉन पुश वगैरह। और बिशप B5 अगर कोई वाइट खेले इस पोजीशन में तो कैसे खेलना है आपको, और दूसरा वेरिएशन EF5 और उसके बाद G4। तो दोनों वेरिएशन दिखाऊंगा। अगर F5 के बाद वाइट यहाँ पे सपोज ये पॉन टेक्स पॉन करता है, तो यहाँ पे जब आप D5 करते हो तो D5 के बाद दो वेरिएशन मेन है। एक तो G4 जो पॉन को प्रोटेक्शन करता है, लेकिन ये बहुत ही वीक माना जाएगा वाइट के लिए, क्योंकि G4 जब करता है पॉन को बचाने के लिए, इस पोजीशन में आपको तुरंत ही पॉन ब्रेक के लिए H5 करना है, अदरवाइज वाइट विल लॉस। अब देखो H5 के बाद G क्रॉस H5 फोर्स से H3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आफ्टर G टेक्स वाइट कैन नॉट टेक दिस पॉन बिकॉज ऑफ पिनिंग दिस पॉन। तो यहाँ पे H3 पॉसिबल नहीं है, तो पॉन जब ग्रैब करना है तो पॉन टेक्स पॉन ये कंपलसरी मूव है। G H5, यहाँ पे आपको बिशप टेक्स F5 ले लेना है और ये पॉन हैंगिंग हो गया है। तो यहाँ पे बिशप E2 एक ही ऑप्शन अच्छा है, ताकि वो बिशप से इस पॉन को प्रोटेक्शन दे सके, अदरवाइज यू कैन सिंपली कैप्चर द पॉन। तो बिशप E2 के रिप्लाई में आपको एक D4, ये एक वेटिंग मूव करना है, तुरंत इसे नहीं कैप्चर करना है, अदरवाइज नाइट डिस्कवर अटैक देगा। तो D4 के बाद व्हाइट पॉसिबल मूव है D3, बिशप को डेवलप करेगा। तो D3 के बाद यहाँ पे क्वीन D5 आप अपना डेवलप पहले कीजिए और नाइट को पिन कीजिए। व्हाइट कंपलसरी रुक जीवन करेगा, अदरवाइज नाइट ज्यादा देर पिन रहने में प्रॉब्लम है। तो RG1 के बाद नाइट F6, अब आप यहाँ पे नाइट टेक्स पॉन की थ्रेट दे रहे हो, तो यहाँ पे ब्लैक खेलेगा बिशप टू G5 और BG5 के बाद सिंपल रुक टेक्स एच फाइव के बाद अगर नाइट D2 करता है, बाद में आप वापस से रुक H7 लाके खेल सकते हो। दूसरा वेरिएशन G4 के बदले बिशप B5 देखते हैं। दोस्तों व्हाइट G4 करता है तो आपको ऐसे अटैक करके पॉन ब्रेक लेना है। G4 ज्यादा अच्छी मूव नहीं है, ज्यादातर लोग नहीं खेलेंगे, फिर भी प्रिपरेशन करना जरूरी है। बिशप B5 के रिप्लाई में आपको क्या करना है, बिशप B5 में सिंपल आपको बिशप टेक्स पॉन मारना है और यहाँ पे तुरंत व्हाइट नाइट E5 करेगा, क्योंकि पिनिंग नाइट पे अटैक। यहाँ पे नाइट E5 के रिप्लाई में आपको क्वीन D6 करना है। क्वीन D6 के बाद व्हाइट के पास एक बेस्ट ऑप्शन है क्वीन E2। क्वीन E2 के रिप्लाई में नाइट H6, ये एक सरप्राइज मूव है आफ्टर कैसलिंग और नाइट टू F7। यहाँ पे आप गेम सिंप्लीफाई करके खेल सकते हो। अब दूसरे वेरिएशन देखते हैं, पॉन मारे बिना Bb5 अगर करता है वाइट, यहाँ पे पॉन टेक्स पॉन लिए बिना वाइट पहले से ही बिशप B5 वाला मूव करता है, तब आपको यहाँ पे मूव चेंज करनी है। यहाँ पे आपको सिंपल जैसे कि हाँ, पहले से बिशप B5 करता है तो बिशप F5 आपका जो मेन मूव है वो कॉमन ही रहेगा। बिशप F5, नाइट E5, क्वीन D6 और उसके बाद मैंने बताया D4। इससे पहले हमने देखा कैसलिंग क्वीन E2। अब वाइट यहाँ पे D4 करता है, आइडिया बिहाइंड दिस मूव बिशप टू F4 और F4 डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको रिप्लाई देना है D4 के अगेंस्ट सिंपल नाइट F6। नाइट F6 के बाद व्हाइट के पास दो मेन रिप्लाई है, एक तो कैसलिंग और दूसरा है F4। तो पहले देखते हैं कैसलिंग, अगर व्हाइट कैसल करता है
तो सिंपल यहाँ पे नाइट ई सेवन, और नाइट ई सेवन के बाद व्हाइट के पास फिर से दो ऑप्शन है, बिशप एफ फोर नाइट को सपोर्ट करना, और दूसरा ऑप्शन है एफ फोर। तो ये पोजीशन में पहले देखते हैं, बिशप एफ फोर अगर करता है तो सी वाले नाइट से आपको मारना है। और ध्यान रहे इस पोजीशन में अगर व्हाइट ने पॉन से सपोर्ट किया तो डी वाले नाइट से आपको कैप्चर करना होगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं बिशप एफ फोर, बिशप एफ फोर में नाइट सी ई फाइव, नेक्स्ट थ्रेट नाइट। अब देखो बिशप क्रॉस ई फाइव, और बिशप क्रॉस ई फाइव में सिंपल यहाँ पे आपको खेलना है क्यू बी सिक्स। क्यू बी सिक्स थ्रेट है बिशप के ऊपर, तो क्यू बी सिक्स के बाद वाइट को बिशप रिटर्न लेना होगा या फिर बिशप से एक्सचेंज करना होगा। और अगर नाइट से सपोर्ट किया और इस पॉन पे अटैक है तो सिंपल आप सी सिक्स करके गेम में प्ले कर सकते हो बहुत ही बढ़िया पोजीशन के साथ में। तो दोस्तों बिशप एफ फोर के बदले हम देखते हैं अगर यहाँ पे वाइट ने जैसे नाइट ई सेवन के बाद एफ फोर से प्रोटेक्शन किया तो आपको यहाँ इस नाइट से कैप्चर करना है डी वाले नाइट से। दोनों में थोड़ा सा चेंजिंग है क्योंकि पोजीशन पूरी चेंज हो जाती है। अब देखो ये पॉन टेक्स पॉन पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्वीन टेक्स क्वीन चेक और आप सिंपली पीस प्लस होते हो। तो यहाँ पे वाइट को एफ पॉन से ही नाइट को लेना होगा, और जैसे ही एफ टेक्स करता है क्वीन जे सिक्स चले जाओ। अब डबल थ्रेट है बिशप टेक्स सी टू और बिशप एच सिक्स की, तो वाइट यहाँ पे रिप्लाई देगा सपोज बिशप ए फोर। तो बिशप ए फोर के रिप्लाई में आपको सिंपल ई सिक्स कर देना है पॉन को एक सपोर्ट, और डार्क स्क्वायर बिशप ओपन। वाइट खेलेगा नाइट सी थ्री, यहाँ पे बिशप ई सेवन, और यहाँ पे बिशप ई थ्री वाइट डेवलप करेगा ताकि इस पॉन को प्रोटेक्शन भी मिल जाए। सिंपल आप कैसल कर लो। वाइट यहाँ पे नाइट बी फाइव खेलेगा इस पॉन के ऊपर अटैक, और यहाँ ये पोजीशन नाइट बी फाइव थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे एक ब्रिलियंट मूव, बहुत ही सरप्राइज मूव है नाइट टू ए फाइव। इस पॉन को हम सेक्रीफाइस करते हैं नाइट सी सेवन, यहाँ पे आपको खेलना है नाइट सी फोर बिशप का अटैक। नाइट टेक्स रुक पॉसिबल नहीं है क्योंकि नाइट इंटू बिशप और फॉर्क में आपको वापस से रुक भी मिल जाता है। तो यहाँ पे वाइट रिप्लाई देगा बिशप एफ टू, और बिशप एफ टू के रिप्लाई में आपको खेलना है रुक सी एट। आफ्टर रुक सी एट वाइट खेलेगा नाइट बी फोर, और फाइनल मूव विनिंग मूव जो है नाइट इंटू बी टू फॉर्क के साथ आपको कम्प्लीटली पीस मिल जाएगा। तो ये पोजिशन है दोस्तों, इस गेम में बहुत सारे वेरिएशन है एन सी सिक्स में, तो सारे वेरिएशन आपको तैयार करने हैं। इसलिए वन बाय वन जितने भी मैंने एन सी सिक्स के बारे में वीडियो बनाए हैं वन बाय वन सारे एक ही साथ देखिए। कोई भी सीरीज आप पूरी एक साथ देखोगे तभी आपके सारे वेरिएशन रेडी होंगे। ऐसा नहीं कि आपने आज एन सी सिक्स देखा कल आप स्कैंडिनेवियन देख रहे हो कभी कुछ और देख रहे हो। कोई भी ओपनिंग तैयार करने के लिए उसके सारे वेरिएशन एक ही साथ देखने जरूरी है, तभी आपकी ओपनिंग बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी। लोग तो और भी एन सी सिक्स के वेरिएशन है, नेक्स्ट टाइम जल्द ही मिलेंगे दूसरे वेरिएशन के साथ। तो ध्यान रहे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि सभी चीज आपको सीखनी है तो इसी चैनल में मिलेगी। मेरी चैनल में बहुत सारे ओपनिंग आपको सीखने को मिलेंगे। जल्द ही मिलेंगे। जय हिंद जय गुजरात।